स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आज हम चैप्टर नाइन करने वाले हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का बी सेक्शन और दैट इज़ अमोनिया तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में एक कंटेक्सट क्वेश्चन है दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 156। तो लेट स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अमोनिया शो बाई अ डाइग्राम तो दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड और यू कैन शो इट विद बाय द डायग्राम और यहाँ पे जो है कि डायग्राम है एंड ईयर इज ऑल्सो अ डायग्राम डॉट डाइग्राम इज ऑल्सो गिवेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड अमोनिया अकाउंट फॉर द बेसिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड तो इसका आंसर होगा कि फार्मूला ऑफ लिक्विड अमोनिया इज एन एच थ्री लिक्विड अमोनिया इज लिक्विफाइड अमोनिया बेसिक नेचर इट डिजोल्वस इन वाटर टू गिव अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है कि ये डिज़ोल्व होता है किसमें वाटर में टू गिव अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड विच आयोनाइज टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन तो आप देखो कि अमोनिया जब वाटर में डिजोल्व होगा तो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करेगा अमोनीम हाइड्रो ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा जब वाटर में डिजोल्व होगा तो अमोनियम आयन प्लस ओ एच निगेटिव फॉर्म फॉर्म करेगा देयर फॉर इट रेड लिटमस ब्लू टर्मरिक पेपर ब्राउन एंड एनफिन एनफिन सोल्यूशन को पिंक चेंज करेगा तो ये हो गया आपका लिक्विड अमोनिया और अकाउंट फॉर द बेसिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड तो इस यही इसका बेसिक नेचर इसीलिए होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है के राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री वन फिफ्टी थ्री पे लैब प्रिपरेशन के लिए देखो यही रिएक्शन होगा कि अमोनियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड एंड विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट देखते हैं कि हाउ इज अमोनिया ड्राइड एंड कलेक्टेड इन द लेबोरेटरी सेम पेज पे आप टर्न करो तो यहाँ पे देखो कैसे ड्राई हो रहा है

इसका आंसर भी सेम पेज पे आपको मिलेगा ही टू का सी ये इक्वेशन होगा क्योंकि अमोनिया एच टू फोर के साथ कनेक्ट करके सोडियम सॉरी अमोनियम सल्फेट फॉर्म कर लेता है इसीलिए जो है कि अमोनिया का कलेक्शन नहीं अमोनिया के लिए ड्राइंग एजेंट एच टू एस ओ फोर को हम यूज नहीं करते टू का सी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू का डी अमोनिया कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर गिव रीजन तो ओवर वाटर इसलिए नहीं कलेक्ट हो सकता क्योंकि अमोनिया जो है बहुत ही ज़्यादा हाई सोल्यूबल है वाटर के अंदर एक्सप्लेन विद अ डायग्राम द प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया एक्वस अमोनिया के लिए पेज नंबर वन फिफ्टी फोर डायग्राम के साथ बना हुआ है प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाई डिजोलविंग अमोनिया एंड वाटर अमोनिया को वाटर में मिक्स करके और रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर इज़ वेरी हाई देयर फॉर बैक सेक्शन होता है वाटर इज पॉसिबल ये पॉसिबल हो सकता है टू अवॉइड दिस अ फनल इज अटैच टू द आउटर एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब विथ रबल ट्यूबिंग द प्रोसेस इज सिमलर टू द मैथड यूज टू चेंज एच सी एल गैस इंटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फॉर्मर चैप्टर में हम लोगों ने किया एंड हेयर इज द डायग्राम गिविन और उसके नीचे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि वाटर इज टेकन इन अ कंटेनर एंड ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ माउथ ऑफ फनल इज डिप्ड इन वाटर एज अमोनिया डिजोल्व इन वाटर हाई रेट दैन इट्स प्रोडक्शन इन द फ्लास्क द प्रेसर इन द फनल अबब वाटर लेवल डिक्रीजेज फॉर अ मोवमेंट एंड वाटर रशेज इन टू द फनल फनल में रश करता है एज अ रिजल्ट द रिम ऑफ द फनल लूजेज इज कॉन्टेक्ट ये कॉन्टेक्ट जो है वाटर के साथ थोड़ा सा लूज कर जाएगा सिंस अमोनिया प्रोटेस्ट पुशेज द वॉटर डाउन द फनल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर अगेन इन दिस वे अमोनिया डिजोल्वस इन वाटर विदाउट बैक सेक्शन ऑफ वाटर तो बार बार यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक करेगा जब भी अपॉर्ड मूवमेंट होगा फिर बैक होगा फिर वापस आएगा जब तक कि ये पूरा फुल्ली डिजॉल्व ना हो जाए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का भी कि वाई ड्राइंग एजेंट सच एस पेंटाऑक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड आर नॉट यूज टू ड्राई अमोनिया तो जहाँ पे एस टू एस ओ फोर का दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर टू का सी था वहीं पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे पेज नंबर 153 पे आप आइए यहाँ पे देखो सबके लिए दिया एस टू एस ओफोर हो चाहे पेंटा हो चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो इन सब के साथ अमोनिया क्या करेगा रिएक्ट कर जाएगा दैट इज वाई दीज ड्राइंग एजेंट्स विल नॉट बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है कि अ सब्सटेंस ए वॉज हीटेड विथ स्लेक्ड लाइम एंड अ गेस बी With a pungent smell was obtained. Name the द A and B and give the balanced equation. तो आप देखो ये क्या होगा जो A है that is ammonium chloride और जो B है that is ammonia gas और वो रिएक्शन क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा स्लेक्ट लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रो के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर और अमोनिया फॉर्म करेगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं कि अमोनिया इज मैनुफेक्चर्ड बाई प्रोसेस अंडर वॉट कंडीशन डू द रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया गिव अ बैलेंसड इक्वेशन फॉर द हैबर्स प्रोसेस में आप देखो जिस पेज नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव पे आप देखो यहाँ पे क्या है ये कंडीशन है टेम्परेचर कितना रखते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन फोर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड प्रेशर अबव टू हंड्रेड कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज करेंगे प्रोमोटर के लिए ट्रेसेस ऑफ मोलिब्डेनम और अल्मोनियम ऑक्साइड यूज किया जाएगा और इसके लिए इक्वेशन जो होगा दैट विल बी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म अमोनिया प्लस हीट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी पार्ट इन वॉट रेशियो बाई वॉल्यूम आर द अबव गैसेज यूज तो यहीं पर आंसर दिया हुआ है इसी में कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अल्ट्राइड प्योरीफाइड एंड देन मिक्सड इन द रेशियो वन इज टू थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी पार्ट है कि स्टेट वन पॉसिबल सोर्स ऑफ ईच रिएक्टेंट यूज्ड इन द दबर्स प्रोसेस तो दैट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन यूज किया हम लोगों ने तो दोनों का सोर्स क्या हो सकता है तो आप यहाँ पे देख लो कि नाइट्रोजन गैस इज ऑप्टरेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो वहाँ से नाइट्रोजन मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस इज ऑप्टेन फ्रॉम वाटर गैस दैट इज़ कॉल्ड बॉस प्रोसेस और फ्रॉम नेचुरल गैस वहाँ से हाइड्रोजन कलेक्ट कर लेते हैं हम फाइव का डी देखो आप कि स्टेट वेदर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस अमोनिया इज़ प्रोमोटेड बाई द यूज ऑफ हाई प्रेशर और लो प्रेशर तो यहाँ पर आप देखो कि जो रिएक्शन होता है अमोनिया का अरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो आयरन और मोलिपडेनम के साथ होता है और के प्रेजेंस में होता है और टेम्परेचर 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और जो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज़ 200 टू 900 तो अमोनिया फॉर्म होता है एज अ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन रिएक्टेंट जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट का वो हमें कम होता है रिएक्टेंट से तो हाई प्रेशर ही फेवर करता है द फॉरवर्ड रिएक्शन आई फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तो इसीलिए जो है कि हाई प्रेशर का यूज़ होता है नेक्स्ट ई पार्ट है कि मैंशन टू पॉसिबल वेज बाई विच अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज़ रिमूवड फ्राम अनचेंज्ड गैसेज फाइव का ई e देखो दो पॉसिबल वेज क्या क्या हैं तो दो पॉसिबल वेज़ हैं लिक्विफिकेशन और और एब्जॉर्बिंग इन वाटर तो लिक्विफिकेशन में क्या करते हैं कि अमोनिया इज़ लिक्विफाइड ईजिली एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन और एब्जॉर्बिंग इन वाटर को यूज़ करते हैं बिकॉज अमोनिया जो है बहुत हाईली सोलिबल इन वाटर होता है वाइल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी स्लाइटली सोलबल तो ये जो दो तरीके हैं जिससे कि जो है अनचेंज गैसेस से हम लोग रिमूव कर लेंगे अपने अमोनिया को नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव का एफ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन तो जो फाइनली डिवाइडेड आयरन है वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को नेक्स्ट मोलिपडेनम का क्या यूज़ है तो मोलिपडेनम जो है इट एक्ट एज अ केटेलिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तो 15 परसेंट अमोनिया फॉर्म होता है हर बार हाउ कैन दिस परसेंटेज फॉर्मेशन बी इंक्रीज तो कैसे इस फॉर फिफ्टीन परसेंट से इंक्रीज कर सकते हैं तो इट इज़ इंक्रीज इट कैन बी इंक्रीज टू नाइन्टी एट परसेंट बाई री सर्कुलेटिंग अन रिएएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कि जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन है उसको जो है फिर से दोबारा जो है रीसर्कुलेट कर दें हम अब क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव करते हैं तो है कि गिव रीजन अमोनियम कंपाउंड डो नॉट ऑकर एज़ मिनरल तो ये मिनरल की तरह ऑकर क्यों नहीं होते हैं बिकॉज दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर दैट इज़ वाई दे आर नॉट दे डो नॉट ऑकर एज मिनरल नेक्स्ट बी पार्ट है सिक्स का कि अमोनियम नाइट्रोट अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया तो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो थोड़ा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है तो इसीलिए जो है कि इसको प्रिपरेशन में अमोनिया के यूज़ नहीं करते हैं कॉन्सनट्रेटेड एस टू एस ओ फोर इज़ अ गुड ड्राइंग एजेंट येट इट इज़ नॉट यूज टू ड्राई अमोनिया तो होता यह है कि देखो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख रखा है कि जो वो अमोनिया है टू एन एच थ्री वो एस टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट कर जाता है अमोनियम सल्फेट फॉर्म करने के लिए तो इसीलिए कंसनट्रेटेड एस टू एस ओ फोर इज अ गुड ड्राइंग एजेंट और इसके बावजूद हम लोग यूज नहीं करते हैं अमोनिया को ड्राई करने के लिए बॉक्स में भी हम था पेंटा और सबका कैल्शियम क्लोराइड का इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज यूज इन एक्सेस सेकेंड फ्लास्क इज़ फिटेड इन अ स्लैंटिंग पोजिशन थोड़ा सा तिखा होता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को इसलिए यूज करते हैं एक्सेस में क्योंकि ये चीप होता है और डेलीकेसेंट होता है और नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा आंसर है कि फ्लास्क को क्यों टिल्टेड हम रखते हैं तो इसका आंसर ये होगा कि द फ्लास्क इज टिल्टेड इन सच अ वे दैट द वाटर फॉर्मड इन द रिएक्शन डज नॉट रिकल बैक ताकि वो वापस ना चढ़ सके ऊपर ओके okay? वो हाइट होगी तो उस पर नहीं चढ़ेगा इन टू द हीटेड फ्लास्क एंड दस ब्रेक इट और वो क्या करेगा अगर वापस उठेगा तो क्या करेगा जो हीटेड फ्लास्क है उसको ब्रेक कर देगा वो ब्रेक हो जाएगा हीटेड फ्लास्क क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हम लोग कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कि नेम ऑफ प्रोसेस इनपुट इक्वेशन आउटपुट जो है अमोनिया निकल रहा है तो प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन नाइट्रोजन का इनपुट कितना होगा थ्री टू वन या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिख सकते हो वन इज टू थ्री इक्वेशन क्या होगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा अमोनिया और हीट फॉर्म होगा अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्टेट द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड इन द अबव प्रोसेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए दैट इज 450 फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड प्रेशर अबव टू हंड्रेड एटमोसफेरिक प्रेशर और कैटलिस्ट में क्या यूज करेंगे फाइनली डिवाइडेड आयरन के पीसेस होंगे अब क्वेश्चन नंबर एट पे मूव करते हैं कि चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एज आर राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द सेम अमोनियम क्लोराइड इज सॉलिबल सॉल्ट बाई न्यूट्रलाइजेशन ओके वेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग अमोनिया क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करेगा दैट विल प्रोड्यूस अमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट हैज़ टू इलेक्ट्रॉन यूनिट्स एंड शेल इट रिएक्ट विद अ नॉन मेटल एटॉमिक नंबर सेवन द कम्पाउंड फॉर्म रिएक्ट विद वार्म वाटर एंड प्रोड्यूस अ बेसिक गैस आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड राइड द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अब यहाँ पे देखो एन शेल है के एल एम एन एन शेल है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉसिबल है कि ये कौन सा होगा विल बी आपका मैग्नीशियम हो जाएगा एन एलिमेंट दैट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एन शेल इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वेल्व तो हो गया ना टू एट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ टू एट टू अ नॉन मेटल हैविंग एटॉमिक नंबर सेवन वो कौन है दैट इज़ नाइट्रोजन द कम्पाउंड फॉर्म विथ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इज मैगनीशियम नाइट्राइड फॉर्म होता है और जब और ये जो है 800 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे, और ये जो रिएक्शन होता है ये करते हैं विथ वार्म वाटर जब करेंगे इसी मैग्नीशियम नाइट्राइड का रिएक्शन मैग्नीशियम नाइट्राइड का वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैगनीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनिया फॉर्म होगा लेटर्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटेक्सट क्वेश्चन कि अ रेडिश ब्राउन यहाँ पे करना क्या है करेक्ट करना है फॉलोइंग जहाँ गलती होगी उसको सही करना है अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑप्टेंड विन अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइडेड एजडेड टू फायरस अल्फाइड तो रेडिश ब्राउन नहीं क्या कलर होता है उसका डॉल्टी ग्रीन कलर का होता है बी वाला कि लिक्विड अमोनिया इज अ सोल्यूशन ऑफ एन एच थ्री तो यहाँ पे होगा लिक्विड अमोनिया इज लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ Ammonia. क्या हो जाएगा लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया नेक्स्ट है, iron. Iron होता है. No. क्या कर जाएगा. तो इसलिए किसका यूज करता है कैल्सियम ऑक्साइड का अमोनियम सोल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव अमोनिया तो नो अमोनियम सॉल्ट विथ कॉस्टिक सोडा सॉरी कॉस्टिक अलकली जब हीट करते हैं देन इट द कंपोजेज टू गिव अमोनियम तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग सारा एक्सरसाइज करेंगे